हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है सोने का घड़ा। दयालपुर नामक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा साधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। किशन के घर में उसकी पत्नी साक्षी थी, जो गर्भवती थी। किशन बोला, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोग रूखा सूखा ही खाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना होना चाहिए, परंतु तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सके और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? साक्षी बोली, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए, भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे और हर चीज समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। साक्षी इसी तरह की बातें करके किशन को दिलासा दिया करती थी। किशन का बड़ा भाई घनश्याम भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाई ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। घनश्याम एक चालाक आदमी था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन खुद ले ली थी और बेकार जमीन किशन को दे दी थी। घनश्याम को अपनी जमीन से पैदा हुई फसल का अच्छा मुनाफा होता था, पर वह कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी किशन ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। किशन अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। किशन बोला, साक्षी, मैं खेतों में जमीन जोतने जा रहा हूँ। आज दिन भर वही रहूंगा, शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? साक्षी बोली, परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? किशन जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा हुआ है, इसीलिए वह जानबूझकर साक्षी से कहने लगा, देखो मैं वही कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किशन खेतों की तरफ जा रहा था कि तभी घनश्याम ने पीछे से उसे आवाज लगाई, अरे किशन, सुनो तो जरा। किशन बोला, अरे घनश्याम भैया आप? घनश्याम बोला, देखो मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही किशन सोच में पड़ गया। किशन बोला, भैया पर आज तो मुझे अपने खेतों की जुताई भी करनी है। घनश्याम बड़ा ही चालाक व्यक्ति था। वह बातें बनाकर किशन को अपनी बातों में फंसा लेता है। घनश्याम बोला, अरे भैया आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर को पास ले जाना भी बहुत जरूरी है। यह काम इतना जरूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? किशन अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। जब एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता ना करें, मैं आज पहले आपकी जमीन की जुताई करूंगा, फिर उसके बाद अपने खेतों की जुताई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। घनश्याम बोला, धन्यवाद किशन, तुमने तो मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। तुम शाम तक मेरे खेतों की जुताई जरूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसा कर घनश्याम किशन को अपने खेतों की जुताई में लगा देता है और फिर अपने काम से निकल जाता है। किशन पूरा दिन मेहनत करके घनश्याम की जमीन को जोत देता है। शाम को घनश्याम जब खेत में आता है तो देखता है कि सारे खेत की जुताई हो गई है, तो वह मनी मन बहुत खुश होता है। वह सोचता है, कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई, मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरे जमीन को खोदने में लगा दिया। चलो मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया, हा हा हा। घनश्याम केशव से कहता है, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो पूरी जमीन जोत दी। अरे वाह वाह, मैं कल आराम से इसमें बीज बो दूंगा। किशन बोला, इसमें धन्यवाद कैसा भाई, अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है।
इस तरह थका हारा किशन अपने घर लौट आता है। साक्षी बोली, आप हाथ मुंह धो लीजिए, पहले खाना खा लीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हो। किशन मन ही मन सोचता है, मेरे लिए खाना बचा ही नहीं होगा, और अगर बचा होगा तो शायद इसी ने कुछ नहीं खाया होगा। किशन बोला, यह खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्या हुआ, आपको भूख क्यों नहीं लगी, साक्षी बोली। किशन बोला, अरे आज घनश्याम भैया के खेतों पर काम चल रहा था ना, तो उन्होंने मुझे खाना खिला दिया और अब मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। घर की स्थिति को देखकर किशन मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितना बेबस हूँ कि अपनी पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता। बेचारी इस हालत में भी घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसे खाना नहीं मिलता, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। यह सोचते सोचते किशन सो जाता है। वो अपने सपने में देखता है कि लक्ष्मी माँ उसके ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है। अगले दिन किशन उठते ही यह बात अपनी पत्नी को बताता है। किशन बोला, रात को मैंने एक सपना देखा, महालक्ष्मी मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है और हमारी गरीबी दूर हो गई है। साक्षी बोली, ये तो बहुत अच्छा सपना है, सुबह का सपना तो सच होता है, देखो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। किशन बोला, चलो आज जाकर खेतों की जुताई करनी है, वहाँ से आते आते कुछ खाने का सामान भी लेता आऊंगा। यह कहते हुए किशन खेतों पर चला जाता है और वहाँ जाकर जुताई का काम शुरू करता है। जुताई करते करते जमीन में से एक मटका निकलता है। किशन बोला, अरे यह क्या है, लगता है कोई बड़ा सा बर्तन है, खोद कर देखता हूँ कि आखिर यह क्या है। किशन जैसे ही थोड़ी खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखाई देता है। मटका मिलने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसमें सोने की मोहरें पड़ी थी। किशन बोला, अरे यह क्या, मटके में तो सोने की दो मोहरें पड़ी हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सपना सच हो गया, इसीलिए मुझे सोने की मोहरें मिली हैं। तभी अचानक एक बूढ़ी अम्मा उसके सामने आ जाती है और कहती है, बेटा मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ, अपनी एक प्यारी सी गाय का दूध बेचकर पेट भरती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पर वह गाय अब बीमार हो गई है, उसके इलाज में बहुत खर्चा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर दें। उसे देखकर थोड़े समय के लिए किशन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूँ, यह बुढ़िया भी बिल्कुल वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे दो सोने की मोहरें दी हैं, क्यों ना इनमें से एक सोने की मोहर मैं इस बुढ़िया को दे दूं, इससे इसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। बस यही सोचकर किशन उस बुढ़िया को एक सोने की मोहर पकड़ा देता है। किशन बोला, अम्मा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह एक सोने की मोहर है, इसे बेचकर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकोगी। बुढ़िया बोली, तुम खुद मुसीबत में हो, फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो, मेरा आशीर्वाद है कि कभी भी तुम्हें गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सोने की मोहर निकालकर बाजार में जाकर वह बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान ले आता है। साक्षी किशन को देखकर पूछती है, आप तो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, यह मटका कैसा है। किशन बोला, आज खेत में जुताई करते समय मुझे यह सोने का मटका मिला है, इसमें मिली एक सोने की मोहर मैंने बेच दी, उसी से बहुत सारे पैसे मिले, जिससे मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। किशन और साक्षी उस रात भरपेट खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। तभी किशन को फिर एक बार सपना दिखा, जिसमें महालक्ष्मी किशन से कहती है, किशन मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुसीबत में होते हुए भी एक लाचार बुढ़िया की मदद की, तुम्हारे पास केवल दो ही मोहरे थी, जिसमें से तुमने एक मोहर उसको दे दी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो वह एक जादुई सोने का घड़ा है, जिसमें रोजाना सुबह तुम्हें एक सोने की मोहर मिलेगी, जिसे बेच कर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में केवल एक ही मोहर आएगी,
तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल बीतेगा। किशन अचानक से उठ जाता है और अपने सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले वाले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहर दी और वह सपना सच हुआ। लगता है हर रोज एक सोने की मोहर वाली बात सच होगी। महालक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की। अगले दिन जैसे ही किशन घड़े को देखता है उसमें एक सोने की मोहर आ गई थी। यह देख किशन नाचने लगता है और अपनी बीवी साक्षी को सारी बात बताता है। सच्ची, देखा, मैं कहती थी ना समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा ही लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी परेशानी और गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। यदि हर रोज एक सोने की मोहर मिलेगी तो हमारा घर का खर्च आराम से चल जाएगा। खेती के लिए भी बाजार से सामान आ जाया करेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हर रोज उस जादुई घड़े से एक सोने की मोहर आती, जिसे बेचकर किशन अपनी जिंदगी चलाता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। वह हर एक जरूरतमंद इंसान की मदद कर देता था। किशन के घर इस तरह पैसे आते देखकर घनश्याम सोच में पड़ गया कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। यह जानने के लिए घनश्याम किशन के घर जाता है और कहता है, अरे भाई कैसे चल रही है जिंदगी? मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छे से मरम्मत करवाई है और घर में खूब सामान भी ले लिया है। कहीं से लॉटरी लग गई है क्या? किशन बहुत सीधा साधा था। वह अपने भाई को सारा सच बता देता है। किशन बोला, भैया मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि भगवान हमारी ईमानदारी का फल हमें जरूर देगा। बस कुछ यूं ही समझ लीजिए, भगवान ने हमारी मदद की है। मुझे एक जादुई घड़ा दे दिया है जिसमें रोजाना एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। जादुई सोने के घड़े के बारे में सुनकर घनश्याम का सर चकरा जाता है और उसके मन में उस जादुई घड़े को पाने का लालच आ जाता है। वह एक दिन मौका देखकर किशन के घर में घुस जाता है। उसे सामने ही जादुई घड़ा दिखाई देता है। घनश्याम बोला, अरे यह तो वही जादुई घड़ा है, मुझे तो इसे पाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो मेरा काम हो गया, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और इसमें से रोज एक सोने की मोहर उठाऊंगा। घनश्याम जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, वह सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। घनश्याम बोला, अरे यह क्या हुआ? किशन ने कहा था कि यह तो जादुई घड़ा है, परंतु मेरे छूते ही यह मिट्टी का घड़ा कैसे बन गया? अब मुझे यहाँ से जाना होगा, किसी और दिन मौका देख कर इसे चुरा लूंगा। घनश्याम घड़े की चोरी करने के इरादे से दूसरी बार किशन के घर में आता है, लेकिन जैसे ही वो घड़े को छूता है वह मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक किशन वहां आ जाता है। किशन बोला, अरे भैया आप यहां कैसे आना हुआ? घनश्याम उसे देखकर घबरा जाता है और उससे झूठ बोलता है। घनश्याम बोला, अरे किशन भाई मेरी मुर्गी का पता नहीं कहाँ चली गई है, बस उसे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा शायद पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर में घुस गई हो, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। किशन अपने बड़े भाई की भावना को समझ जाता है। किशन बोला, भाई मटका चुराने के लिए घर में घुसा है, परंतु मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता। उधर घनश्याम भी समझ जाता है, यह मटका भाई को भगवान ने उसकी ईमानदारी के लिए दिया है, उसका जादू केवल उसी के लिए है। किशन की अच्छाई और ईमानदारी का फल भगवान ने उसे दे दिया है। हम लोगों को अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।